हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम जगदीप आज हम बात करेंगे उन पांच चीज़ों की जो आप कर सकते हैं अपने आंसर्स को एकदम सुपर इम्प्रेसिव बनाने के लिए बीइंग एन एग्जामिनर माई सेल्फ कुछ 16 साल से मैं पेपर्स असेस कर रही हूँ तो मैं कुछ चीज़ों को डेफिनेटली काउंट इन करती हूँ पेपर्स करेक्ट करते समय असेस करते समय एंड वही सारे पॉइंटर्स हैं जो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी तो मैं इन पाँच चीज़ों के ऊपर बात करने वाली हूँ पहली अपने आंसर्स को स्टैंड आउट कैसे किया जा सकता है दूसरी बात क्या हमें अपने क्वेश्चन पेपर के ऑर्डर में आंसर्स अटैम्प्ट करने चाहिए तीसरी बात वॉट इंक शुड बी यूज चौथी बात हमारे आंसर्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए और पाँचवीं बात हमारे आंसर्स लिखते समय हमें कौन से चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए किस तरह के मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी चाहिए इन पांचों चीजों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैंड लगे हैं अगर आप इनमें से कई सारी चीजें जानते हो और कोई एक ऐसी चीज़ है जो आप नहीं जानते सो लिसन टू इज टू यू एंड डोंट वेस्ट योर टाइम या सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फॉर लेट्स गेट स्टार्ट पहला पॉइंट था हाउ डू वी मेक एन आंसर स्टैंड आउट हम अपने आंसर्स कैसे लिखें कि एक एग्जामिनर आपके आंसर्स देख के सुपर इम्प्रेस हो जाए और आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स देने लग जाए अच्छे अच्छे मार्क्स देने लग जाए तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप एज अ स्टूडेंट कर सकते हो अगर आपने अब तक ये चीज़ें नहीं सुनी है या सुनी है पर प्रैक्टिस नहीं की है तो आपके पास अब भी थोड़ा सा टाइम है आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो वाई सॉल्विंग योर पास्ट पेपर्स एंड टू टेस्ट इट आउट गेट इट असेस्ट फ्रॉम योर क्लासेस टीचर्स और फ्रॉम योर स्कूल टीचर इफ़ यू स्टिल हैव एक्सेस टू देम या सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी होती है हमारे आंसर्स लिखते समय वो है पहले फाइंड आउट करना कि आपको कौन सा आंसर अच्छे से आता है क्योंकि आप इम्प्रेस करने के लिए लिख रहे हो एंड इट इज़ जनरली सेड फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन एकदम सुपअप होना चाहिए एंड उसके लिए इट इज़ सुपर इम्पोर्टेंट कि आप वो क्वेश्चन पिकअप करें जो आपको बहुत अच्छे से आता है सो so, सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपको आपके क्वेश्चन को देखकर ये आइडेंटिफ़ाई करना कि उस क्वेश्चन में कितने पॉइंटर्स हैं और उन पॉइंटर्स में कितने इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कोई डेफिनेशन लिख रहे हो तो उस डेफिनेशन में कुछ की इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं कुछ टर्म्स होती हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जो उस डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं तो जब आप वो डेफिनेशन लिख रहे होते हो उसी टाइम पे साथ साथ में उन की वर्ड्स को अंडरलाइन करते चलो अंडरलाइनिंग क्यों करनी है क्योंकि जो चीज़ आप तीन घंटे में लिखेंगे वो चीज़ एग्ज़ामिनर्स पाँच से दस मिनट में करेक्शन कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है दे डोंट हैव इनफ टाइम टू रीड एवरी जब आप सेंटेंसेस पे या पॉइंट्स पे अंडरलाइनिंग करते हो उसको हाईलाइटिंग देते हो तो वो जो चीज़ है इम्पैक्टफुल बन जाती है और पूरी अटेंशन वहीं कैप्चर होती है तो एग्ज़ामिनर का टाइम भी कम होता है रीडिंग करने का आपके पेपर्स जल्दी जल्दी एसेस कर पाते हैं वो एंड द मोमेंट यू स्टार्ट अंडरलाइनिंग योर आर पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स और टर्म्स इट इंडिकेट्स दैट यू नो दिस कॉन्सेप्ट रियली वेल दूसरी चीज आपके आंसर स्टैंड आउट करने के लिए अगर आपके आंसर्स में पॉइंट्स हैं मान लो चार पॉइंट है या छः पॉइंट्स हैं तो हर एक पॉइंट के नीचे एक लाइन छोड़ते हुए दूसरा पॉइंट लिखें उससे आपका आंसर थोड़ा सा प्रेजेंटेबल लगता है नीट लगता है स्पेस्ड आउट लगता है ऐसे एकदम से खिचड़ी बना दो तो वो रीडिंग में बहुत डिफिकल्टी होती है जो आपके एग्जामिनर्स होते हैं उनको रीडिंग इश्यूज नहीं आने चाहिए बिकॉज उनके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा लॉट होता है करेक्शंस के लिए असेसमेंट के लिए सो so वो बहुत ज़्यादा टाइम डिनोट नहीं कर सकते ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंस आपके आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर कि वन रीड में उन्हें वो आंसर समझ में आ जाए अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर हेयर इज़ कि जब आप एक आंसर लिख रहे हो और जब एक एग्ज़ामिनर आपका पेपर लिख के बैठ रहा है तो देस इट विद टेक्निकली ज़ीरो नॉलेज एज्यूमिंग कि उन्हें ये सब्जेक्ट नहीं आता है और ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो सब्जेक्ट उन टीचर्स को या उन एग्जामिनर्स को समझाओ तो जस्ट इमेजिन आपको टीचर्स ने लेक्चर uh, आवर्स में किस तरह से समझाया था ऑब्वियसली बहुत सारे एग्जांपल्स देके स्ट्रेस करके कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है अब वहाँ पे आप बोल तो नहीं रहे आप लिख रहे हो तो आपको वो सारी चीज़ें हाईलाइट करनी होंगी अंडरलाइन करनी होगी कौन से कलर से अंडरलाइन करना है क्या हमें इंक चेंज करनी है कोई जरूरत नहीं है डोंट वेस्ट योर टाइम चेंजिंग योर इंग्स जस्ट यूज द सेम इंग दैट यू आर राइटिंग विद जैसे जैसे आपने आंसर लिख लिया आपको पता है कि ओके okay, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया उसी समय यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम आफ्टर राइटिंग इट रीडिंग इट अगेन एंड देन अंडरस्टैंडिंग ओके ये इंपॉर्टेंट था ये इंपॉर्टेंट था ये इंपॉर्टेंट था ऑल राइट सो हमने क्या चीज़ें की हमने तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें की हमने हाईलाइटिंग की हमने पॉइंटर्स डाले और हमने लाइन्स छोड़े ठीक ऐसे जब हम एक आंसर लिखते हैं आपका आंसर और प्रेजेंटेबल लगता है रीडेबल लगता है स्पेस्ड आउट लगता है क्लीन एंड नीट लगता है अब नीट रखने की क्या ज़रूरत है हम शादी भी लिख सकते हैं हम किसी भी हैंडराइटिंग में कैसी भी तरीके से लिख सकते हैं लिख सकते हो कोई कोई दिक्कत नहीं है उसमें बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो आपके एग्जामिनर्स हैं वो भी आपके जैसे इंसान हैं उन्हें एक ही चीज़ दिन में लगभग 20 से 25 बार पढ़नी पड़ती है सो so उनका मेंटल स्टेट थोड़ा सा इरीटेटबल हो सकता है थोड़ा सा टायर्ड हो सकता है थोड़ा सा मोनोटोनस हो सकता है आपका पेपर बहुत शैबिली प्रेजेंटेड है आपकी राइटिंग भी लेजिबल नहीं है तो उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा और वो एग्ज़ामिनर्स को इरिटेट कर सकता है एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू इरिटेट योर एग्जामिनर्स बिकॉज आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनके हाथ में इस वक्त आपका आंसर कॉपी ओके सेकेंड चीज़ बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि क्या हमें हमारा क्वेश्चन का जो आंसरिंग है वो एग्जैक्टली exactly उसी ऑर्डर में करना चाहिए जैसा क्वेश्चन पेपर में आया है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था राइट दैट आंसर फर्स्ट विच यू नो रियली वेल एंड विच यू नो यू कैन इम्प्रेस द एग्ज़ामिनर विद है ना तो यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है एकदम उसी ऑर्डर में सारे क्वेश्चन लिखना बट मान लो आप क्वेश्चन नंबर फोर लिख रहे हो और क्वेश्चन नंबर फोर में चार सब क्वेश्चन हैं तो उन चारों सब क्वेश्चन को कोशिश कीजिएगा कि आप एक ऑर्डर में लिखें वहाँ पे ऐसा ना हो कि पहले आप डी लिख रहे हो फिर ए लिख रहे हो फिर सी लिख रहे हो फिर बी लिख रहे हो तो उससे आपके जो एग्जामिनर्स हैं वो थोड़े से अनोयड हो सकते हैं बिकॉज दे हैव टू फ्लिप थ्रू द क्वेश्चन एंड अनफॉर्चुनेटली अगर आंसर शीट में ये सारे क्वेश्चन बहुत डिस्टेंस डिस्टेंस पे मान लो एक पेज पे वन है दूसरे पेज पे टू है तीसरे पेज पे थ्री है चौथे पेज पे चार है तो आपने लगभग चार बार उन चार पेजेस को अपने एग्जामिनर्स को टर्न करने के लिए कंपेल किया फोर्स किया तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है अगर आप एक क्वेश्चन शुरू कर रहे हो भले वो क्वेश्चन नंबर वन ना हो वट एवर क्वेश्चन अप इन द फर्स्ट कंप्लीट दैट क्वेश्चन इन ऑल रिस्पेक्ट्स बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी गलतियाँ करते हैं पर ये गलती वाला सेगमेंट हम पॉइंट नंबर फाइव में डिस्कस करेंगे और राइट अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर थ्री की पॉइंट नंबर थ्री तक हमें कौन सी इंक यूज करनी चाहिए विच इंक शुड वी यूज आप ब्लू इंक भी यूज कर सकते हो ब्लैक भी यूज कर सकते हो अनलेस आपका बोर्ड स्पेसिफिकली नहीं बता रहा कि आपको कौन सी इंक यूज़ करनी है आर फ्री टू यूज एनी ऑफ देम एज एन एग्जामिनर हु पेपर्स फॉर सिक्सटीन प्लस ईयर्स मेरे लिए ब्लू इंक ज्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि जब हम ब्लैक एंड व्हाइट को बहुत ज्यादा देर तक देखते हैं तो इट बिकम्स अ लिटल मोनाटनस नॉट ओनली फॉर माई आईज बट ऑल्सो फॉर माई ब्रेन वी बिकम अ लिटल सेचूरेटेड लुकिंग एट दोज टू कलर्स सो ब्लू कलर उस मोनाटनी को ब्रेक करता है माइंड को रिफ्रेश करता है आइज को कूलिंग इम्पैक्ट देता है तो उससे ऑटोमेटिकली साइकोलॉजी जो है वो थोड़ी सी बेटर हो जाती है एक अच्छा नया कलर देख के पेपर में और उसके साथ साथ अगर आपने अपना पॉइंट नंबर वन अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं अंडरलाइन है हेड पॉइंट्स लिखे हैं दो पॉइंट्स के बीच में लाइन छोड़ी है तो वो आइसिंग ऑन द केक बन जाता है एंड उस इम्प्रेशन के साथ फिर आपका पेपर बहुत अच्छे से करेक्ट किया जा सकता है सो so कोशिश करो अगर आपके बोर्ड में कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है विद रिगार्ड्स टू इंक स्टिक टू ब्लू इंक एंड इफ पॉसिबल स्टिक टू जेल पेन्स आई जनरली प्रेफर्ड राइटिंग विद जेल पेन क्योंकि मुझे जेल पेन की जो स्मूदनेस है जो फ्लो थी वाइल राइटिंग वो ज़्यादा अच्छी लगती थी कंपेयर टू बॉयल पॉइंट्स पर अगर आप बॉल पॉइंट से लिखते हो बॉल पेन्स वगैरह यूज़ करते हो तो नो नो प्रॉब्लम विद दैट जस्ट कीप यूजिंग दैट सिंस यू बीन यूजिंग इट बट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू शिफ्ट ऑन अनदर पेन देन प्लीज़ गो हैड एंड ट्राई जेल पेन्स ऑब्वियसली वाटर प्रूफ जेल पेन्स एंड आई एम श्योर उससे आपके हैंड राइटिंग में बहुत फर्क पड़ेगा एंड द मोमेंट यू स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स फ्रॉम द पास्ट पेपर्स आपकी वो राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी ठीक हमारा फोर्थ पॉइंट था कि भाई आपके पेपर्स में आपके आंसर्स की लेंथ कितनी होनी चाहिए बहुत सारे लोग पेज वाइज लेंथ बताते हैं इतने इतने पॉइंट्स के लिए इतना पेज उतने पॉइंट्स के लिए उतना पेज तो आई जनरली डोंट गो वेल विद दैट क्योंकि मुझे ऐसे पेज भरने वाला सिस्टम नहीं चाहिए येस लेंथ डज मैटर बट अकॉर्डिंग टू मी कॉन्टेंट ऑल्सो मैटर्स हम वहाँ पे गार्बेज नहीं लिख सकते जस्ट टू मेक इट लेंथी सो so, टेक्निकली अगर आप अपना आंसर्स लिख रहे हो खास करके इकोनॉमिक्स के पेपर्स के लिए गो विद द नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्वल्स नंबर ऑफ मार्क्स तो अगर मान लो छः मार्क्स का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट छः पॉइंटर्स उसमें आपके मिनिमम होने चाहिए इंट्रोडक्शन um, और कंक्लूजन के साथ डायग्राम्स अगर आपके उस क्वेश्चन में हैं तो मेक श्योर दैट यू पुट डाइग्राम एज वेल फॉर अ सिक्स मार्कर और फॉर एन एट मार्कर आंसर राइट एट मार्क्स एच वालों को आते हैं सी बी एस ई वालों का मैक्मम मार्क्स सिक्स से फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू राइट एन आंसर विद रिगार्ड्स टू कंजम्प्शन फंक्शन और वो मान लो चार मार्क के लिए आया तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली कंजम्पन फंक्शन का इंट्रोडक्शन देना है डायग्राम देना है और डायग्राम को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव सप्लाई कर्व एग्रीगेट डिमांड कर्फ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द इक्विलीब्रियम पॉइंट टू द लेफ्ट वेयर कंजम्पन इज मोर देन इनकम डिससेविंग्स है वेर इनकम इज मोर देन कंजम्पशन ऑन द राइट देर आर सेविंग्स इन द इकोनॉमी तो बस इतना सा अगर हम लिख सकते हैं तो हमने क्या किया है यहाँ पे हमने ये बताया कि बॉस मुझे ये सारा आंसर अच्छे से आता है राइट एंड यू हैव शोन द टीचर कि आपको डायग्राम पता है आपको इंट्रोडक्शन पता है डेफिनेशन पता है डायग्राम का कॉन्सेप्ट पता है दैट विल ब्रिंग यू गुड मार्क्स या सो कुछ इस तरह से अगर आप अपने आंसर्स लिखते हो तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू गेट a lot better marks than you would otherwise writing in points will definitely help if you give them essays to read they don't have that much luxury of time to read everything that you've written so when you write in pointers you point out things where to look at by underlining that is definitely going to give you a lot of brownie points therein yeah now let's take a look at the fifth point which is what mistakes to avoid इकोनॉमिक्स में बहुत सारे मिस्टेक्स बच्चे करते हैं क्यों बिकॉज दे सिंपली डिड नॉट रीड मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ फोटोज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मेरे कुछ पुराने बच्चों के पेपर्स जो मैंने करेक्शंस करके रखे हुए थे वो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको सो दैट यू गेट टू सी वॉट मिस्टेक्स जनरली चिल्ड्रेन मेक इन एक्नॉमिक्स पेपर्स और आप उन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जल्दी जल्दी में हम कर्व का, का स्लोप भूल जाते हैं हम ये भूल जाते हैं कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व था या अपवर्ड स्लोपिंग कर्व था तो उस चीज़ को हमने ध्यान में रखना है हम एज्यूम करके नहीं चल सकते कि इस क्वेश्चन में यही पूछा होगा आर चांसेस कि आपने जो रीड किया है प्रॉब्लम उसके आगे क्वेश्चन का पूरा इंटेंशन ही चेंज हो गया है सो प्लीज़ रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड देन स्टार्ट राइटिंग द आंसर मैनी टाइम्स स्टूडेंट ने पूरा आंसर लिखा है बट अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट वर्क विद दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन सो यहाँ पे दो चीज़ें खराब हो गई आपका टाइम और आपके मार्क्स बिकॉज यू एंडेड अप राइटिंग रॉन्ग आंसर फॉर अ राइट क्वेश्चन तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है प्लस बहुत सारे बच्चे ये गलतियाँ करते हैं जो हमने पीछे बताया था पॉइंट मैं आपको फिफ्थ में बताऊँगी वही वाला क्वेश्चन फोर वी कम टू द सेम एग्जाम्पल क्वेश्चन फोर ए अटैम्प्ट कर लिया बी अटैम्प्ट कर लिया एंड देन यू आर लाइक ओ गॉड सी ऑर डी के लिए मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा आई एल डू इट एट अ लेटर टाइम बट यू फरगेट टू लीव द पेज बिकॉज इन अरी अब आप क्या करोगे पेपर के लास्ट में जब आपने सारा कुछ लिख लिया तब आप लिखोगे क्वेश्चन फोर कंटिन्यूड अवॉयड डूइंग दैट इट्स अ ह्यूज मिस्टेक अ लॉर्ड ऑफ चिल्ड्रन डू क्योंकि इससे आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा खराब होते हैं जब बोर्ड में पेपर्स एसेस होते हैं चेक होते हैं तो उस समय दे हैव टू फॉलो द टीचर्स हैव टू फॉलो अटन पैटर्न वाइल कैलक्यूलेटिंग योर मार्क्स अगर आप आधा क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं आधा बाद में लिख रहे हैं फिर आधा फिर आगे लास्ट में लिख रहे हैं इस तरह से जब आप लिख रहे हैं तो वहाँ पे मार्क्स के कैलकुलेशन में गड़बड़ होती है एंड वहाँ पे जितनी बार उस टीचर को आपके मार्क्स चेंज करने होंगे उतनी बार अपना सिग्नेचर वहाँ देना होगा एंड दैट इज़ टाइम कंज्यूमिंग आप सोच रहे हो एक सिग्नेचर देने में कितना टाइम लगता है बट आप अकेले बच्चे नहीं हो जो ऐसा करेगा है ना देर आर लाइक फाइव सिक्स हंड्रेड पेपर्स एट दैट एग्जामिनर हैज़ टू चेक सो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं और इट बिकम्स वेरी इरिटेटिंग टू कीप साइनिंग एवरी नॉम एंड दैन वेन एवर द चेंजेस दीज मार्क्स आर मेड सो प्लीज़ अवॉइड दिस एरर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है आपने अटैम्प्ट कर दिया है और बाकी के क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं डू नॉट फर गेट टू लीव स्पेस फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग टू बी अटैम्प्ट लेटर और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार आप यार, विद योर टाइम और आप उस पेपर को या उस सेगमेंट को नहीं लिख सकते डोंट फरगेट टू क्रॉस दैट पेपर मार्किंग एज ओमेट या इट इंडिकेट्स कि भाई इस पेपर पे कुछ नहीं है एंड टीचर कैन स्ट्रेटली मूव अहेड वैसे खाली पेपर छोड़ना भी खराब दिखेगा नैवलेस आप टीचर के ऊपर उतना स्ट्रेस नहीं डालोगे जितना उसको आएगा जब वो आधा क्वेश्चन पेपर के स्टार्टिंग में चेक कर रही है आधा क्वेश्चन पेपर के बीच में चेक करेगी आधा क्वेश्चन लास्ट में जा करके चेक करेगी प्लीज़ अवॉइड दो एरर्स ये चीज़ें आपने कतई नहीं करनी कभी नहीं करनी डू नॉट एवर कैंसल क्वेश्चन भी आपसे लोटी श्योर आपको कौन सा आंसर लिखना है एंड देन स्टार्ट राइटिंग कि वह थारो थॉट कि आपको कौन सा आंसर लिखना है Think about the pointers that would go in that. Think about the examples that you would want to supplement in that answer. अगर कोई डायग्राम है तो कौन सा डायग्राम जाएगा किस तरह से वो डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा एक छोटा सा maybe 5-10 seconds ka का le ब्रेक ले लो आंसर लिखने से पहले start writing plan your answer and then write देन राइट है मैनर में आप लिख दो आधा आंसर एंड देन यू रियलाइज हो मुझे आधा तो याद ही नहीं आ रहा एंड देन यू कैंसल इट दैट शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दैट शोज लैक ऑफ स्टडिंग एंड आपने जो इम्प्रेशन बिल किया था क्वेश्चन नंबर वन में वो इम्प्रेशन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है जब इस तरह के कैंसिलेशन वो आपके पेपर में देखते हैं सो अवॉइड दोस सो न्यूमेरिकल्स में आपको रफ वर्क लगता है कैलकुलेशंस लगती हैं प्लीज़ यूज़ द लास्ट टू शीट्स ऑफ योर आंसर शीट आंसर कॉपी फॉर रफ वर्क उस पर टाइटल लिख देना बड़ा बड़ा बोल्ड में दैट दिस इज़ रफ वर्क नोबडी विल इवन बॉर्डर टू लुक एट व्हाट यू रिटर्न देयर राइट right? वहाँ पे आप जितना चाहे कैल्कुलेशन्स करना चाहो जितने अपने आंसर्स की प्लानिंग करना चाहो करो नो बडी इज वि लुक एट दैट बट डोंट फरगेट टू कैंसिल दैट आउट वेन यू आर डन विद यर पेपर उसको खाली नहीं छोड़ना उसको कैंसिल करना है ठीक सो दीज आर सर्टन मिस्टेक्स दैट यू कैन डेफिनेटली अवॉइड ऑब्वियसली प्रैक्टिस लगेगी इफ़ यू प्रैक्टिस इनफ इट्स नो रॉकेट साइंस या एंड यू कैन डेफिनेटली मेक यूर आंसर्स पॉप आउट आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा टीचर्स की साइकोलॉजी के बारे में भी शायद आपको थोड़ा पता चला होगा इस वीडियो में कि वो किस इंटेंशन और किस भाव के साथ आपके पेपर्स को लेकर के बैठती है एंड यस दे हैव नो पर्सनल ग्रेजुएस अगेंस्ट यू ओके इट्स योर एफर्ट इन प्रेजेंटेशन इन राइटिंग इन मेकिंग ऑल द टू गेट गुड मार्क्स फ्रॉम हर और हेम अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू तो माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस इफ़ यू हैव फ्रेंड्स एंड यू थिंक ये वीडियोस उनको हेल्प कर सकती है आई सी यू ना द वीडियो बाय ना टेक केयर ब्लू एक कूलिंग कलर है कूल कलर है उसका पिगमेंट जो है वो आपको रिफ्रेशिंग और कूलिंग फ्रेगरेंस एज एन एग्जामिनर हुन असेसिंग पेपर फॉर लाइक सिक्सटीन ईयर्स आई पर्सनली प्रिफेर as an examiner who's been assessing paper for like 16 years i personally pre please use the last two slides